कहना चाहेंगे आज यहाँ पे आपने जो लोगों को बिगर ये आप माइक के साथ प्लीज रिक्वेस्ट आप से मेरा कोई लोगों निकाल दिया मीडिया जब इनसे सवाल कर रहा तो मीडिया के माइक के साथ भी इन्होंने छेड़छाड़ किया कोई जवाब दे ही नहीं बनती इनकी कोई जवाब नहीं देखिए तस्वीरों में देखिए हम एम्प्लॉय हैं और हम आपको कोई जवाब नहीं दे सकते नजर आ रहे हैं ठेकेदार कोई बच्चे नजर आए आप हैं केवल प्रेस रिपोर्टर झूठे मूठे हम सच बोल रहे हैं हम एम्प्लॉय हैं हम एम्प्लॉय हैं हम BIS के एम्प्लॉय हैं मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह एक्स वारंट अफसर नोट कर लीजिए ये देखिए यहाँ पे लड़ने भी आ गए आइए आइए लड़ने आ गए देखिए आपने माइक के साथ किस तरह बदतमीजी की आपने माइक के साथ सुनो मैं फौजी हूँ झूठ नहीं बोलता हूँ आप की तरह आप झूठ बोलते हैं आपने माइक किस तरह कौन सा माइक हमने आपने बाहर चैलेंज दिया बाहर हद हो गई यार हद हो गई आप गुंडे आपने बाहर नहीं देखिए किस चीज का कितने बंदे आपके बाहर इसी तरह से मीडिया कर्मियों के साथ आए दिन बदतमीजी एवं उन पर हमले की खबरें आम होती जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला ESIC अस्पताल इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 रामदरबार चंडीगढ़ में देखने को मिला जब नौकरी से निकाले जाने का अपना विरोध जता रहे सिक्योरिटी गार्ड की कवरेज करने पहुंचे पत्रकार शशांक पांडे और अजीत झा के साथ सिक्योरिटी कंपनी के नोडल ऑफिसर ने प्रश्न पूछे जाने पर पहले तो माइक को झटक दिया और उसके बाद बदतमीजी करने लगे। अस्पताल में इलाज करवाने पहुंचे लोग एवं अस्पताल के कर्मचारी और ठेकेदार के इस व्यवहार को देख दंग रह गए और उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मामले को गंभीर होते देख सिक्योरिटी नोडल ऑफिसर मौके से फरार हो गए। उन्हें अंदाजा लग गया था कि लोग मीडिया कर्मचारी से हुए बदसलूकी से नाराज एवं भड़के हुए हैं। अगर मौके से नहीं हटे तो स्थानीय लोग उनको पीटना शुरू कर देंगे। जैसे ही यह मामला ऑनलाइन मीडिया एसोसिएशन के पास पहुंचा तो भारी संख्या में मीडिया कर्मचारी अस्पताल पहुंचकर पत्रकार के साथ हुए गलत व्यवहार के खिलाफ अपना विरोध जताने लगे। ऑनलाइन मीडिया एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की बदसना और ठेकेदार सहित अस्पताल प्रबंधकों से संपर्क किया तो अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी विशाल एवं मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने भी इस घटना की भत्सना करते हुए कहा कि मीडिया तो समाज के बीच एक कड़ी के रूप में काम करती है, ऐसे में उनके साथ दुर्व्यवहार करना बिल्कुल गलत है। हम इस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे ताकि अस्पताल परिसर में ऐसी घटना दोबारा ना हो। कहना चाहेंगे आज यहाँ पे आपने जो लोगों को बिगर नोटिस आप प्लीज रिक्वेस्ट आप से मेरा कोई कमेंट नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं आप किस तरह से यहाँ पर किस तरह से ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है और बिगर किसी नोटिस के यहाँ पर लोगों को निकाल दिया। मीडिया जब इनसे सवाल कर रहा तो मीडिया के माइक के साथ भी इन्होंने छेड़छाड़ किया कोई जवाब दे ही नहीं बनती इनकी कोई जवाब नहीं देखिए तस्वीरों में देखिए हम एम्प्लॉय हैं और हम आपको कोई जवाब नहीं दे सकते। बसते नजर आ रहे हैं ठेकेदार कोई बच्चे नजर आए आप हैं केवल प्रेस रिपोर्टर झूठे मूठे हम सच बोल रहे हैं हम एम्प्लॉय हैं। क्या नाम है आपका? हम एम्प्लॉय हैं। क्या नाम है आपका? हम BIS के एम्प्लॉय हैं। नाम नहीं है मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह एक्स वारंट अफसर नोट कर लीजिए प्लीज। ये देखिए किस तरह से बदतमीजी पर उतर आए हैं यहाँ के ठेकेदार तो इन जवान जिन्होंने अपनी जिंदगी दे दी है अपने जीवन के हसीन पल दे दिया है यहाँ पर देश के लिए और यहाँ पर ये उनके साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या कहना चाहेंगे इस तरह से इस तरह के अड़ियल रवैये वाले। ये सर हम गुंडा कर दिया जी ये सर हम गुंडा कर दिया बिल्कुल सर हम गुंडा कर दिया जी ये देखो किस तरीके से बात करी है ये बात है बात करने का ये तरीका देखिए यहाँ पे लड़ने भी आइए लड़ने का आगे देखिए साहब ये लोग यहाँ पर वॉयलेंस अननेसरी का कर रहे हैं क्योंकि हमें केवल टेंडर मिला है हम अकॉर्डिंग रूल्स और रेगुलेशंस अपनी सिक्योरिटी लगा रहे हैं और अगर ये नहीं छोड़ रहे हैं तो हम इनसे कुछ नहीं। आपने माइक के साथ किस तरह बदतमीजी की आपने माइक मेरे सुनो मैं फौजी हूँ झूठ नहीं बोलता हूँ आप की तरह आप झूठ बोलते हैं। आपने माइक किस तरह से कौन सा माइक हमने इनकी आवाज आप तक उठाई है आपने जवाब नहीं दिया अभी भी तो आप बात करने आए हैं जवाब दे रहे हैं ना आपको आप सवाल करिए हमसे आप आपने यहाँ पर किसी भी नोटिस दिए बगैर इनको निकाल दिया क्या कहना चाहेंगे? हमने किसी को नहीं निकाला जी रीजन बिंग हमारे ये आदमी हमारे एम्प्लॉयड नहीं है VIS के एम्प्लॉयड BIS ऑफिस से आए हुए हैं ये हमारे एम्प्लॉय ये NK सिक्योरिटी के एम्प्लॉय हैं जो जाके अपने ऑफिस में रिपोर्ट करें
या हमें अननेसेसरी क्यों परेशान कर रहे हैं? हमें ऑर्डर मिला है, हमें ऑर्डर मिला है, हमें ऑर्डर मिला है कि आप सिक्योरिटी चढ़ाइए। मीटिंग में ऑर्डर आया हुआ है, पर लेटर में है, ये पेपर लेटर में होता है और लेटर के माध्यम से कर रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, हमें वर्क ऑर्डर मिला, कर रहे हैं कि ये लड़ाई हम लड़ेंगे और पक्का लड़ेंगे और जीत हमारे सैनिकों की होगी जो ये बेचारे देश की सेवा करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं और यहीं पर रहेंगे, इनको जाने नहीं देंगे। अब चाहे जो मर्जी हो जाए, इस गेट से बाहर जाएगा तो ये ठेकेदार जाएगा, अन्यथा ये नहीं जाएंगे। इनके लिए जी जान लगा देंगे, चाहे जो भी कुछ करना पड़े। देखिए यहाँ पर ठेकेदार गुंडागर्दी लगातार सामने आ रही है। जिस तरीके से पत्रकार ने सवाल पूछा तो उसके खिलाफ ही इन्होंने माइक से हाथापाई करी और बाहर आने तक की धमकी दी। यहाँ क्यों बाहर चलते हैं? यही तो बात कीजिए ना, बाहर चलने की बात बार बार की जा रही है। कितने गुंडे आपने बाहर चैलेंज दिया? बाहर हद हो गई यार, हद हो गई। आप गुंडे हैं, आपने बाहर बुलाया? नहीं, देखिए किस चीज का चैलेंज? कितने बंदे खड़े हैं आपके बाहर? इसी तरह से इन्होंने आज हमारे चैनल के जो प्रेस रिपोर्टर थे उनके ऊपर ठेकेदार ने बदमाशी करी है, उनके ऊपर हाथ उठाया। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो हमारी बात सरकार तक रखते हैं, हमारे साथ चलते हैं, कर्मचारियों के साथ चलते हैं, उनके ऊपर कोई अत्याचार हो। ये ठेकेदार इतना बदमाश आया है बॉम्बे से, इसके सामने प्रेस रिपोर्टरों की भी इज्जत इज्जत नहीं है। जो कि प्रेस रिपोर्टर हर गरीब जनता के साथ खड़े होते हैं, हर जिनके साथ कोई भी जुल्म हो रहा है उनके साथ खड़े होते हैं। इनका क्या कसूर था जो ये हमारे रिपोर्टिंग दे रहे थे सरकार तक? इनके ऊपर हमला किया गया। वो ठेकेदार का जो मैनेजर है और सुपरवाइजर है जो बॉम्बे से आया, उन्होंने हमारे प्रेस रिपोर्टरों के ऊपर हमला किया, जिन्होंने हमारे गरीब जनता की प्रेस वालों से अपील करता हूँ कि सारे प्रेस वाले, चंडीगढ़ की मीडिया अपने अपने सहयोग में, हमारे जो प्रेस जो हमारे साथ खड़े थे मीडिया भाई, इनके ऊपर हमला हुआ है, इसका सहयोग दे और सारी मीडिया इस ठेकेदार के पीछे लगे, क्योंकि मीडिया के ऊपर हाथ उठाना एक बहुत बड़ी बात होती है। जनता के ऊपर तो हाथ उठाया ही जा रहा है, पर इन्होंने प्रेस वालों के ऊपर भी हाथ उठा दिया। हमारे साथ तो अत्याचार हो भी रहा है, इनके साथ भी अत्याचार करा है इस प्रेस इसने ठेकेदार ने। क्या नाम है ठेकेदार का? ठेकेदार बॉम्बे से आया जी, क्या बॉम्बे कंपनी है कोई? बॉम्बे इंटेलिजेंट। जो बॉम्बे इंटेलिजेंट कहाँ की इंटेलिजेंट कर रही है? तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ चंडीगढ़ के प्रेस है जितनी भी, चाहे वो दैनिक भास्कर है, चाहे 18 न्यूज है, जो मर्जी है, वे अपने प्रेस वालों का साथ दें। जो अत्याचार इनके ऊपर हुआ उसका एक परिणाम निकल। बार बार मैं आपसे कहूंगा, बाकी मीडिया वाले जो काम करते हैं अच्छी बात है, उनको आगे करना चाहिए, लेकिन पक्ष नहीं लेना चाहिए किसी का। नहीं, पक्ष लेने नहीं, पक्ष नहीं, हमारा सवाल यही पूछा था कि ये कर्मचारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसको लेकर आप जाइए बताइए। नहीं, हमें तो उनके बारे में मीडिया के साथ ऐसे बस हमें उनके बारे में कुछ नहीं मालूम, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं हमें कुछ नहीं मालूम, उनसे हमारा कोई लिंक नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। सॉरी, फील कर ली तो हमने आपसे बोल दिया, अगर हमसे हुआ है और हमने गलती की है चंडीगढ़ से अजीत झा के साथ शशांक पांडे की रिपोर्ट।